भारत आज भले ही विकसित देशों की तरह साधन संपन्न न हो, लेकिन इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब यह पूरी तरह से साधन संपन्न था और इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। यही कारण था कि अंग्रेज और तमाम यूरोपीय देशों को भारत में आकर लूट मचानी पड़ी थी। भारत के सबसे अमीर आदमी जिनसे अंग्रेज भी उधार लिया करते थे। आज हम जगत सेठ के नाम से मशहूर शाही परिवार के बारे में जानेंगे। असल में जगत सेठ कोई नाम नहीं, बल्कि ये तो एक पदवी है जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 ईस्वी में फतेह चंद नाम के सेठ को दी थी। तभी से उनका परिवार जगत सेठ के नाम से मशहूर हो गया था। माना जाता है इस परिवार के संस्थापक सेठ माणिक चंद थे। वे न सिर्फ मुर्शीद कुली खां के खजांची थे, बल्कि उस सूबे के लगान के कलेक्टर भी थे। सेठ माणिक चंद और मुर्शीद खां ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद का निर्माण किया था। कहा जाता है इन्होंने औरंगजेब को 1,30,00,000 लगान की जगह अतिरिक्त लगान वसूल कर करीब 2 करोड़ के आसपास लगान भेजा था। सेठ माणिक चंद के बाद परिवार की बागडोर उनके पोते फतेह चंद के हाथों में आ गई। ये सेठ परिवार फतेह चंद के समय पर ही अपनी बुलंदियों पर पहुंचा था। जगत सेठ घराने के बारे में कहा जाता है कि इनके पास इतनी बेशुमार दौलत और खजाना था कि अगर चाहते तो गंगा में सोने और चांदी की दीवार बनाकर उसकी धारा को रोक सकते थे। इस सेठ परिवार ने फतेह चंद के समय में ही सबसे ज़्यादा दौलत कमाई थी। एक अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार उस समय फतेह चंद की संपत्ति करीब 1,000 मिलियन पाउंड थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जगत सेठ घराना उस टाइम पर भी कितना अमीर हुआ करता था। इस संपत्ति की रखवाली के लिए यह परिवार 2,000 से 3,000 सैनिकों की अपनी खुद की फौज रखता था। आप इनकी दौलत का अंदाज़ा ऐसे भी कर सकते हैं कि अविभाजित बंगाल की पूरी ज़मीन में लगभग आधा हिस्सा उन्हीं का था, यानी अभी के आसाम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला दिया जाए तो उसमें से आधी ज़मीन पर इन्हीं का अधिकार था। अंग्रेजी सरकार के अनुसार उनके पास इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में बहुत ज़्यादा धन था। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ की संपत्ति से काफ़ी छोटी थी, लेकिन दिन के बाद रात आना तय है, ये तो कुदरत का नियम है। और ऐसा ही हुआ, इस शाही परिवार का अंत होने लगा। एक समय ब्रिटिश सरकार के बजट से भी ज़्यादा धन रखने वाला परिवार अचानक से गुमनाम हो गया। आज के दौर में लोगों को इनका नाम तक नहीं पता। जगत सेठ घराने के अंत का कारण अंग्रेजी हुकूमत ही मानी जाती है। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर जगत सेठ से एक बड़े पैमाने पर धन उधार ले लिया था, लेकिन बाद में वे इस बात से मुकर गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे कोई धन उधार लिया था। अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया धोखा शाही परिवार को एक धक्के से कम नहीं था। धीरे धीरे सेठ परिवार बर्बाद होता चला गया। 1912 तक जगत सेठ उपाधि होने की वजह से इस परिवार को थोड़ी बहुत ब्रिटिश सरकार पेंशन देती रही, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दी गई। एक समय देश भर के सभी बड़े फैसलों में जिस घराने का अहम रोल हुआ करता था, आज के दौर में उसे कोई जानता तक नहीं है। जगत सेठ के परिवार के उतार चढ़ाव की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतिहास से जुड़ी ऐसे ही घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।